तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के काफी अलग एंड इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, जिसमें आज हम एक हॉरर एनिमे सीरीज रेसिडेंट एविल पर बात करेंगे। और गाइस, ये काफी इंटरेस्टिंग ज़ॉम्बी सीरीज है जिसका एनिमेशन देख के मैं दंग रह गया था। अब गाइस, मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैं जो सीरीज एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ उसे मैं कंप्लीट नहीं करता। तो गाइस, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए और फिर डिसाइड करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली ना गाइस, बात ऐसी है कि मैं जिस भी सीरीज के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करता हूँ उस सीरीज पे मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। जैसा रिसेंटली हम एक्सप्लेन कर रहे ब्लैक स्पॉट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि एपिसोड्स में व्यूज कितने कम आ रहे हैं। अल्सो एक वीडियो बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है और उस स्पेसिफिक सीरीज के एपिसोड पर व्यूज नहीं आए तो फिर मेहनत वेस्ट हो जाती है, एज वेल एज मेरे एडिटर की भी, और मुझे एडिटर को भी पे करना पड़ता है। और अगर मैं एपिसोड जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर अगर व्यूज नहीं आए तो मुझे एडिटर की भी पेमेंट जो है वो अटकानी पड़ती है, जिससे काफी टेंशन आ जाता है। और तो और गाइस, आजकल वीडियोस पर ना तो लाइक आते हैं ना कमेंट्स, तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा कि आप में से कितने लोग किसी भी सीरीज के अगले एपिसोड्स को देखना चाहते हैं या नहीं। और फिर व्यूज नहीं आएंगे इस डर से मैं उस सीरीज को एक्सप्लेन करना बंद कर देता हूँ, बिकॉज मुझे बैकएंड में काफी प्रॉब्लम होती है। एंड सॉरी गाइस, मुझे आपको ये सब कुछ टेक्निकल चीजें बतानी पड़ रही है। और आप लोग अभी बोल रहे होंगे कि हॉली भाई ने तो रोना स्टार्ट कर दिया, पर गाइस नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बस एक बात मैं क्लियर करना चाहता था कि इन्हीं रीजंस के चलते मैं सीरीज एक्सप्लेन करना कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो गाइस, आज मैं अगेन लास्ट टाइम इस एनिमे सीरीज रेसिडेंट एविल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसपे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है। पर अगर इस वीडियो पर भी व्यूज नहीं आए तो आज के बाद से मैं सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशंस पर ही ज्यादा फोकस करूंगा एंड सीरीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को आज एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज वीडियो के एंड होते ही एक जेन्युइनली कमेंट कर देना कि क्या सच में, आई रिपीट, कि क्या सच में आपको इस सीरीज के अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। ये मुझे आपने अगर जेन्युइनली बता दिया तभी मैं अगले एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं अगला एपिसोड तुरंत डाल दूंगा। और सॉरी गाइस, आज मैंने आपका काफी टाइम खा लिया, पर अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। रेसिडेंट एविल इनफाइनाइट डार्कनेस का सीजन 1 अभी कुछ समय पहले ही 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और इसे पब्लिकली काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और रेटिंग्स की बात करें तो इसकी रेटिंग है 5.8 out of 10 और इसे रॉटन टोमेटोस पर मिले हैं 50%। पर गाइस, इसकी सबसे ज्यादा खास बात है इसका एनिमेशन, जो मुझे काफी तगड़ा एंड क्वालिटी वाला लगा। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको इसका एनिमेशन पसंद आया या नहीं। तो दोस्तों, अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत यूएस में होती है, जहां पर सिविल वॉर चल रहा था, वो भी लोकल पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में। हेलीकॉप्टर्स का झुंड अपने बेस पर जा रहा था, पर तभी उनमें से एक हेलीकॉप्टर पर सिविलियंस हमला कर देते हैं और उसे गिरा दिया जाता है। बाकी हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर को गवर्नमेंट वहां पर स्टैंड बाय पर रुकने बोलती है और जो बाकी हेलीकॉप्टर्स थे उन्हें बेस पर लौटा दिया जाता है। पर जिस टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया था, जिसका नाम मैड डॉग्स था, वो बिना ऑर्डर्स के ही नीचे उतर के अपने साथियों को रेस्क्यू करने लगते हैं एंड सिविलियंस उन पे हमला कर देते हैं और उन सभी लोगों को मार दिया जाता है। और उसी रात को सभी लोग उनकी लाशों को लटका के उनपे पेट्रोल छिड़क के उन्हें जलाने वाले थे और सभी खुशियां मना रहे थे। इन लोगों ने एक और बच्चे को कैद करके रखा था जो ये सब कुछ अपने आंखों से देख रहा था। और तभी अचानक से जो मरे हुए आर्मी के लोग थे वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और अपनी आंख खोल देते हैं। पर आगे क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता है और सीन कट होके हम कहानी को 6 साल बाद की देखते हैं, जहाँ पर सिविल वॉर तो अब खत्म हो चुका था और हम एक एनजीओ में काम करने वाली लड़की क्लेयर को देख पाते हैं, जो लड़ाई में इफेक्ट हुए लोगों की सेवा करती थी। वो एक लड़के से मिलती है जो बात नहीं कर सकता था। और गाइस, ये वही लड़का है जिसे हमने पहले सीन में कैद देखा था। उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें कई सारे ज़ॉम्बीज ने सबको मार दिया था। एक आइडिया तो मिल जाती है कि उन आर्मी वालों ने जो ज़ॉम्बी में तब्दील हो गए थे उन्होंने सबको मार दिया होगा, वो भी 6 साल पहले। पर अब कहानी बदल चुकी थी और आर्मी ने ज़ॉम्बीज को मार गिराया था। देन हम व्हाइट हाउस के सीन को देख पाते हैं, जिसमें किसी ने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी की जानकारी हैक कर ली थी और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 4 हाई लेवल एजेंट्स लियोन, जेसन, शेन एंड पैट्रिक को अपॉइंट किया जाता है। और लियोन जो है वो असल में एक हाई लेवल एंड काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी था जिसने काफी सारे मिशंस अकेले ही हैंडल किए थे, पर उसे आने में थोड़ा टाइम था, इसलिए जेसन, शेन एंड पैट्रिक प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट एंड डिफेंस सेक्रेटरी विल्सन से बात करते हैं कि असल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और ये किसका काम हो सकता है। तो विल्सन बोलता है कि ये चाइना का काम होगा, ऐसा उसे शक है। पर बाकी सब लोग बोलते हैं कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी और बाकी कोई भी टेक्निकल चीज यूज करने के लिए
पहले प्रेसिडेंट का पासवर्ड चाहिए होता है, तो ये किसी अंदर के आदमी का काम हो सकता है जो शायद प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। ये सब कुछ डिस्कशन चल ही रहा था कि व्हाइट हाउस की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड जो बैकअप इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स थे उसे भी कोई बंद कर देता है, जिससे फर्स्ट टाइम पूरे व्हाइट हाउस की लाइट चली जाती है एंड सारे कैमरास भी ऑफ हो गए थे। यानी जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी उसका कोई फायदा उठा रहा था। सभी लोग प्रेसिडेंट को गार्ड करते हैं एंड दो एजेंट्स पैट्रिक एंड जेसन अपनी गन लेके व्हाइट हाउस को चेक करने लगते हैं, वो भी अलग अलग होके। तो पैट्रिक को एक आदमी दिखता है जो जख्मी था और वो बोलता है कि उसे एक जॉम्बी ने काटा है और सुन वो भी एक जॉम्बी में तब्दील होके पैट्रिक पर अटैक कर देता है। पैट्रिक उस पर गोली चलाता है पर कोई भी फायदा नहीं था, वो उसके शरीर पर गोली चला रहा था। एंड गाइज एज वी नो कि जॉम्बी को उसके सर पर गोली मारने से ही वो मरता है। तो तभी वहाँ पर लियोन जो हाई लेवल मेन एजेंट था और शायद इस सीरीज का हीरो भी, वो वहाँ आके एक हेडशॉट से जॉम्बी को मार देता है एंड सुन व्हाइट हाउस में कई सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को बंकर में छुपा के लियोन पैट्रिक जेसन एंड शेन बाकी गार्ड्स के साथ मिलके जॉम्बीज को मार गिराते हैं एंड सुन अटैक को रोक लिया जाता है और प्रेसिडेंट पूरी तरीके से सेफ था। अगले दिन लियोन जेसन से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो टी वायरस है ये आज तक एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इस वायरस को तो 6 साल पहले ही कंट्रोल में लाया गया था। तो जेसन बोलता है कि ये टी वायरस है या नहीं इसका पता लैब की रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा, तब तक हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते। देन हम क्लियर को देखते हैं जो एनजीओ के काम से व्हाइट हाउस आई थी, तो वो लियोन से मिलके उसे उस बच्चे के बारे में बताती है और उसे वो उसकी तस्वीर दिखाती है जिसमें कई सारे जॉम्बीज थे जो कई सारे लोगों को मार रहे थे। और गाइज लियोन एंड क्लेयर एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे। ये लोग थोड़ी कुछ और बातें करके अपने अपने काम पर वापस लग जाते हैं। देन डिफेंस सेक्रेटरी विल्सन आके प्रेसिडेंट को बोलता है कि हैकिंग यूनिट से पता चला है कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी सिस्टम असल में चाइना से हैक हुई थी और इस वायरस के अटैक के चांसेस भी वहीं से हुए हैं। तो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से परमिशन मांगता है कि उन्हें एक सबमरीन दी जाए जिससे ये लोग चाइना में चुपके से घुसेंगे और उस लैब में जाके ये पता करेंगे कि क्या सच में यही से सिक्योरिटी सिस्टम हैक हुई थी और क्या ये ज़ॉम्बी वायरस को भी यहीं पर बनाया गया है या नहीं। तो परमिशन मिलते ही एक सबमरीन में कुछ ऑफिसर्स एंड 4 एजेंट्स चाइना के लिए निकल पड़ते हैं एंड जेसन जो था वो लियोन को बोलता है कि वहाँ जाके क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं इसकी जानकारी वो सबको टाइम पर देगा, जिससे सब एग्री करते हैं। बात होने के बाद जेसन वहाँ से कहीं पर चला जाता है और बाद में लियोन जेसन को बाथरूम में नोटिस करता है जो अपने शरीर में कुछ इंजेक्ट कर रहा था और दर्द के मारे चीख रहा था। तो जेसन ये सब कुछ क्या कर रहा था ये हमें आगे ही पता चलेगा। एपिसोड के आखिरी सीन में हम अगेन 6 साल पहले की कहानी को देख पाते हैं जिसमें उन आर्मी वालों को लोगों ने मार दिया था और उन्हें लटका कर रखा था और उन्हें वो जलाने वाले थे, पर सुन वो मरे हुए जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और जैसा हमने अज्यूम किया था कि इन आर्मी वाले ज़ॉम्बीज ने सबको मार दिया होगा ठीक वैसे ही होता है। सभी आर्मी वाले ज़ॉम्बीज बन के लोगों को मार देते हैं और हाहाकार मच जाता है। तो बेसिकली सवाल यहाँ पर यही थे कि इस वायरस को 6 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था, वो भी US आर्मी के द्वारा। तो अगेन आज अचानक से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी की जानकारी चुरा के व्हाइट हाउस में ज़ॉम्बीज को किसने छोड़ा और क्या ये चाइना का काम था या फिर कोई इंटरनल व्यक्ति था जो प्रेसिडेंट को मारना चाहता हो। और यही सब कुछ पता करने के लिए लियोन की टीम सबमरीन से चाइना जा रही थी और आगे जो कुछ भी होगा हमें ये सब कुछ episode 2 में पता चल ही जाएगा। तो गाइज ये थी रेसिडेंट एविल इनफाइनाइट डार्कनेस की episode 1 वाली वीडियो। तो आप मुझे कमेंट में जेन्युइनली बताना कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो नहीं, तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख देना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अगला एपिसोड एक्सप्लेन करना है। और अच्छा रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो पे मिलता है तो मैं हैप्पीली अगला एपिसोड तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये सब कुछ आपके ही हाथ में है, अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलते ही तुरंत episode 2 एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू हमारे वीडियोस को प्यार देने के लिए। और गाइज बीच बीच में मैं कई दिनों तक काफी बिजी रहने के चलते मैं वीडियोस पर फोकस नहीं कर पा रहा था, पर अगेन मैं वीडियोस पर फोकस करने वाला हूँ और आज के बाद से रेगुलर अपलोड्स हमारे दोनों चैनल्स पर आने वाली है। तो प्लीज हमारे दोनों चैनल्स को यानी कि हॉन्टिंग हॉली एंड हॉली 2.0 को भी सब्सक्राइब कर देना और उन दोनों का बेल आइकॉन भी ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन दोनों चैनल पर मिलती रहे। हॉली 2.0 चैनल पर भी मैं नरूटो की सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें अभी तक से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।